अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वकास मुश्ताक एंड यू आर वाचिंग माय व्लॉग्स। नई सुबह नया आगाज़, इस उम्मीद के साथ कि खैरियत के साथ गुजरे और ठंडी ठंडी हवा, खूबसूरत सा मौसम, मज़ा आ जाता है सुबह। और आज पानी की बोतल मैं अपने साथ लेकर आया हूँ स्प्रे, ताकि अगर गाड़ी को साफ़ सुथरा करने की ज़रूरत पड़े तो मुझे दोबारा से घर जाने की ज़रूरत ना पड़े। वरना पे घर जाता हूँ, वापस आता हूँ, टाइम कंज्यूम होता है। दूर नहीं है, ये पीछे ही घर है, लेकिन स्टिल टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं अपनी गाड़ी का जो है कवर इस टाइम उठा लेता हूँ और आप लोगों को दिखाऊँ। मेरी बैक साइड पे ना ये दो बिल्लियाँ बड़े गौर से देख रही हैं कि क्या हो रहा है। दोनों नीचे बैठी हुई हैं, बड़े गौर से देख रही हो क्या रहा है। तो खैर, वो अपनी लगी रहे हैं और मैं अपना जो है गाड़ी साफ़ सुथरा करता हूँ। जी गाइस, तो गाड़ी मेरी हो गई साफ़ सुथरी, अब मैं जा रहा हूँ घर नाश्ता करने के लिए, हाथ मुँह धोने के लिए। एक चीज़ आपको बता दूं, आज से मैंने स्टार्ट किया है, आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज़ आप 2 क्लोव गार्लिक खा सकते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ईरानी पिकल्ड गार्लिक जो आता है। तो आप 2 दाने उठा लिया करें उसमें से और उसको जो है आप खा लें सुबह निहार मुँह, और उसके बाद फिर आप अपना ब्रश करें और नाश्ता करें। इट्स क्वाइट गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल। तो चलते हैं घर, नाश्ता करते हैं, उसके बाद गपशप होगी। जी गाइस, तो मैं हो चुका हूँ तैयार और आज मैंने पहना है अपना ब्लैक कोट, मेरे अपने ब्रांड का सिल्क स्कार्फ, और उसके साथ मैंने पहना है ये वाले शूज़। ये मैंने जो है एंडियोर से मंगाए थे यहीं से, क्वेटा से ही एंडियोर से ख़रीदे हैं। और जो सूट मैंने पहना है वो वेलवेट का पहना है, वो मैं गाड़ी में बैठूंगा तो आप लोगों को क्लियर नज़र आएगा। तो बस अब जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ, पहले आपको प्रॉपर अपना सूट दिखाता हूँ। जी, तो मैं जिस सूट की बात कर रहा हूँ वो ये है, ये जो है कॉर्डराई टाइप का, वेलवेट टाइप का सूट है। और जिन शूज़ की बात मैं कर रहा था वो ये है, ये मैंने जो है एंडियोर से ख़रीदे हैं, एंड इट्स क्वाइट कोजी एंड कम्फी। तो आज जो है ब्लैक ब्लैक एंड ब्लू ब्लू कॉम्बिनेशन। तो चलते हैं यूनिवर्सिटी और उसके बाद देखते हैं कि आज आपके लिए यूनिवर्सिटी में क्या लेकर आता हूँ। गाइस, आई एम एट यूनिवर्सिटी नाउ और मैं आया था चाय बनाने के लिए। तो जो हमारी बड़ाऊ मॉमी है वो एक सरप्राइज़ लेकर आई है। आज सर्दी भी है और मैं उनका सरप्राइज़ आपको दिखाता हूँ, वो सरप्राइज़ लेकर के आई है हमारे लिए। लेट मी शो। जी, तो ये है वो सरप्राइज़ मॉमी जो है ख़ास तौर पे हमारे लिए ना माल्टे लेकर आई, किन्नू, ताकि हम इस किन्नू का ना, अगर आप लोगों ने मेरा पुराना व्लॉग देखा हो तो हमने पहले भी जूस बना के पिया था। और आपको पता है ये काम किसके, किन्नू के जूस निकालने का, ये मुझ गरीब का काम है जिसने किन्नू का जूस निकालना है। चले कोई नहीं, बना लेंगे, और सर्दी सर्दी लेकिन फिर भी पियेंगे और आपको भी पिलाते हैं। ये देखिए जी, मैंने आपको बोला था ना साबुन की तरह मलती है ये मक्खन को पराठे पे, ये देखें, मलो 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 जैसे मलती है आप, ये 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 रगड़ रही है, ये जो है ना धुलाई हो रही है पराठे की। हो गया शावर ले लिया हम पराठे ने। चले जी, अब हम अपनी चाय शाय पीते हैं। हाय गाइस, और ऐसा है कि मैंने तो अपनी दोबारा से चाय पी रहा था और मेरी कलीग साहिबा की कॉल आई, एंड शी वाज आस्किंग कि भाई चलो माल्टे का जूस निकालते हैं। तो आप लोगों को फिर इंशाल्लाह ताला मैं एक ब्लॉग आप लोगों के लिए बनाऊंगा वहां जाकर, और वो एक शेक बनाते हैं जिसका नाम है माजून। तो बड़ा बहुत ही अच्छा बनाते हैं वो लोग, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या है, कैसा है, कैसे बनता है। वैसे आज जो है ना मेरी जो कलीग साहिबा हैं, हमारी जो मैम है, वो आज ग्लास नहीं लाई है, जिसकी वजह से या तो आज हम अपने इस चाय के मग में धुलवा कर पियेंगे या हम कैंटीन से मंगा लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि हम जो हैं अपने अपने ही चाय के मग में पिए। तो जूस निकालता हूँ, फिर उससे बाद आपसे गपशप होती है। जी, तो ये दोनों खातून जो हैं वो इस टाइम बैठी हुई हैं और मुझ गरीब से काम कराया। खैर, हमारी जो बड़ा हुए हैं वो तो बूढ़ी हो गई हैं इस टाइम, वो उनकी हड्डियां जवाब दे देते हैं। तो वो जो है ये ऑरेंज जूस नहीं पियेंगी, सो पुअर, वेरी पुअर, और हम पियेंगे मतलब बहुत ही मस्त किस्म का ऑरेंज जूस है। इस पे वैसे बहुत सारों की बुरी नजर थी आज। बच गया, बच गए हम। तेरा मजा आता है ना मुझे। चलो, तुम लोग को तो पूरा होगा ना,
देखो आज वैसे भी ना इनकी कुक्कू आई है, तो ये खास कुक्कू की वजह से आया है, वरना जो है ना ये चुचू की तो परवाह ही नहीं करती है। सो यू पीपल आर मोस्ट वेलकम फॉर दिस लवली ऑरेंज जूस, इट्स रिफ्रेशिंग। जी तो मैं घर आ चुका हूँ और मैंने चाय शाय पी ली है, और अभी मैं ये व्लॉग के लिए कैमरा ऑन कर रहा था तो ये मेरे पीछे ही फबीहा बैठी हुई है। तो फबीहा बताएगी कि ये क्या है। फबीहा ये क्या हुआ है? ये मुझे चोट लगी है। ये मुझे चोट कहाँ लगी थी? रोड पे। रोड पे लगी थी? कैसे लगी मुझे ये चोट? क्या हुआ था मेरा? एक्सीडेंट। ओहो, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और यू नो जब मैं घर आया था तो वो मेरे करीब भी नहीं आ रहे थे, बिकॉज आई वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम हेयर। पूरा स्क्रैच था, स्किन मेरी उतर गई थी एंड आई वॉज ब्लीडिंग। तो बच्चे जो है मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, दे वर जस्ट क्राइंग के बाबा को क्या हुआ है। ऐसा ही है? आप लोग रो रहे थे ना, परेशान हो गए थे ना एकदम। भाई तो बिल्कुल आ रहा ही नहीं था। भाई भी नहीं आ रहा था ना। हाँ। भाई मीन्स अली, जो मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था। अच्छा, और आप? मैं भी नहीं आ रही थी। आप भी नहीं आ रहे थे ना, डर गए थे ना। नानू भी नहीं आ रही थी। नानू भी नहीं आ रही थी ना। जी हाँ, चले जी आज जाऊंगा जिम जाके अपनी एक्सरसाइज करनी है। आज जिम की एक्सरसाइज है हमारी बाइसेप और ट्राइसेप। वेल, आप लोगों को मैं एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ। इस टाइम तो मेरी बड़ी बेटी है सबीरा, वो बहुत ही खामोश से और इन डेप्थ एक शो देख रही है। अब वो शो कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ। उसका नाम है CID, लेट मी शो यू। जी तो ये देखें भाई, यहाँ आईपैड पे देखा जा रहा है। सबीरा क्या देख रही हो? शो का नाम क्या है? CID। आपको क्यों पसंद है CID? देखिए जी, आजकल के बच्चे, हम जब छोटे थे तो CID देखते थे। आजकल जो है फिर से बच्चों ने ना रिपीट करना शुरू कर दिया CID देखना। यहाँ पे आके जो है मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि बच्चों का भी फेवरेट जो है ना, कभी कभार ये कुछ इन्वेस्टिगेशन टाइप की जो थ्रिलिंग वाली जो शोज होते हैं वो भी हो सकते हैं। खैर, मैं बैग पैक कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ जिम की तरफ, तो मिलते हैं आपसे। मैं आ चुका हूँ जिम और बस चेंज करता हूँ और एक्सरसाइज की तरफ निकलते हैं। पहले वार्म अप करना है ट्रेडमिल पर और उसके बाद फिर बाइसेप एंड ट्राइसेप। मैं आज आ चुका हूँ ट्रेडमिल पर स्टेप, और आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ और ट्रेडमिल पर मौजूद हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि गिरूँगा नहीं इंशाल्लाह ताला। मेरा जो ये व्लॉग है रिगार्डिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि इट्स ऑल फॉर द बिगिनर्स, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कि मैं मंडे से जो है जिम से रिलेटेड एज सच कोई एक्टिविटी नहीं डालूंगा। तो उसके बाद फिर देखेंगे, अगर कोई डाइट रिलेटेड या कुछ भी हुआ तो वह इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फिलहाल ट्रेडमिल की स्पीड मैंने ज़्यादा बढ़ानी है, तो स्विच ऑफ करता हूँ मैं यहाँ पर मोबाइल, और उसके बाद फिर आपसे बाद में बात होगी जब हम स्टार्ट लेंगे अपने बाइसेप और ट्राइसेप की एक्सरसाइज। स्क्विज रिलीज, स्क्विज रिलीज। सो गाइज, यहाँ पर आके हमारा बाइसेप और ट्राइसेप जो है वो ख़त्म होता है, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा जिम सेशन था आपको पसंद आएगा। और मेरे साथ मेरा पार्टनर और मेरा कैमरामैन भी आज मेरे साथ सपोर्टिव रहा, तो थैंक्स टू हिम, थैंक यू सो वेरी मच। और एक और बंदा ये इधर मौजूद है, तो ये जो है ये इधर मौजूद है, और ये जो है ना हम लोगों को बहुत गौर से कैमरे में देख रहा था। अब जो है इसको पता चल गया कि भाई मैंने इसको शूट करना था, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं कर सकता। चले जी घर चलते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। एज आई एम बैक होम, और थोड़ा आज लेट हो गया व्लॉग को रैप अप करने के लिए, क्योंकि मैं गया था बेकरी और कल यूनिवर्सिटी में हमारा एक विजिट है, तो वैसे वहाँ से ज़्यादा बेहतर है। हाँ
तो कल हमारी यूनिवर्सिटी में विजिट है, सो आई एम डीलिंग विद ऑल द रिफ्रेशमेंट आइटम्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या रिफ्रेशमेंट आइटम्स लेकर आया हूँ। और इस वक्त वैसे जो है मैं नोश फरमा रहा था माल्टे, अगर आप आके खाना चाहते हो यू आर मोस्ट वेलकम। आज जैसा लगता है जैसे खास माल्टों का दिन है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कल की रिफ्रेशमेंट की कौन कौन से आइटम्स लेकर आई हूँ, और उसके बाद फिर रैपअप करते हैं अपना आज का ब्लॉग। जी पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कहाँ से लिया ये फ्रेंच कुजीन। यहाँ की एक बेकर है, बेकरी है, इट्स आउट क्लास, और यहाँ के आइटम्स बहुत फ्रेश होते हैं जी। तो इसको ये मैंने ख़रीदा, और हम इसको पफ बोलते हैं और ये लोग ज़ुबान बोलते हैं। अच्छा जी, इसको ये जो है बनाना केक है, और ज़्यादातर इसको लोग बनाना कहते हैं, बनाना पेस्ट्री कहते हैं, कुछ लोग इसको ब्राउनीज बोलते हैं। और चिकन पैटीज़ ख़रीदे हैं, और इसके साथ साथ जो है ये सैंडविचेस। तो कल की लिए जो ये खाने, फबिया साइड हो जाओ, वैसे हमारी सब्जी और माल्टे शाल्टे दरी पड़े हुए, फबिया हटो पीछे। तो जी ये है कल के सारे आइटम्स। तो आप बताइएगा कि मैं रिफ्रेशमेंट के हवाले से कैसा हूँ। कल आपको व्लॉग में बताऊँगा जब मैं प्रॉपर तरीके से जो है सेट कर रहा हूँ अपना सारा सिस्टम। दिस इज अ टाइम टू रैप अप माई टूडेज व्लॉग, इस उम्मीद के साथ कि यू नो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल विद ऑल योर फैमिली फ्रेंड्स एंड फेलोज। टिल देन टेक केयर फॉर योरसेल्फ। कल का व्लॉग देखना भूलिएगा मत। अल्लाह हाफिज। Oh,